हाथी जो होते हैं ना, हाथी की सूंड से आपने देखा होगा, हाथी अपने सूंड से कितना सारा काम करते हैं। वो अपने सूंड, हाथी की सूंड होती है, उसकी नाक होती है बेसिकली, उसे हम हिंदी में सूंड कहते हैं और सूंड कहते हैं सूंड, और इंग्लिश में ट्रंक कहते हैं हाथी की। तो वो हाथी अपने सूंड से पानी ले सकता है, पानी पी सकता है और चीज़ें उठा सकता है। तो कुल मिला के जो उसकी सूंड होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो जो बच्ची होती है वो कहती है, अगर मैं एक हाथी होती तो मैं खुदा से शुक्रिया करती कि हाँ मैं अपनी जो सूंड है उसे उठा सकती हूँ, रेज कर सकती हूँ। रेज मतलब ऊपर उठाना होता है और ट्रंक का मतलब सूंड। इफ़ आई वर अ कैंगरू, अगर मैं कैंगरू होती। आपने कैंगरू देखे होंगे ना डिस्कवरी चैनल पे, जो बहुत तेज़ बहुत लंबी लंबी छलांगे लगाते हैं कैंगरू। सो जो लड़की है वो बच्ची है वो कह रही है, अगर मैं कैंगारू होती आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून। हॉप मतलब क्या होता है, हॉप का मतलब होता है कूदना। तो लड़की कह रही है, अगर मैं कैंगारू होती तो मैं कूदने की कोशिश करती। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, मैं कूदने की कोशिश करती, मैं इतनी कूदने की कोशिश करती कि मैं डायरेक्ट एक छलांग लगाऊं और मैं मून पर पहुंच जाऊं, मैं चांद पर पहुंच जाऊं। मुझे मैं इतनी कोशिश करती, अगर मैं कैंगरू होती तो मैं इतनी लंबी छलांग लगाती कि मैं सीधे चांद तक चली जाऊं। ये वो लड़की कह रही है। इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, अगर मैं एक ऑक्टोपस होती। ऑक्टोपस भी देखा होगा अपने डिस्कवरी चैनल पर, देखे से ऑक्टोपस कहते हैं जो सी के अंदर रहते हैं, समुद्र के अंदर ही रहते हैं ऑक्टोपस। आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 arms। अगर मैं एक ऑक्टोपस होती तो मैं खुदा से शुक्रिया करती कि हाँ आपने तो मुझे 8 हाथ दिए। सपोज सोचो हम अपने 2 हाथों से कितना काम कर सकते हैं। अगर हमारा एक हाथ ऑक्यूपाई है तो हम 1 हाथ से काम कर सकते हैं, पर ऑक्टोपस जो होता है उसके तो 8 हाथ होते हैं। तो लड़की कह रही है कि अगर मैं ऑक्टोपस होती तो मैं खुदा से शुक्रिया करती कि मेरे पास 8 हाथ हैं। ओके, सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। तो लड़की कहती है कि मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मैं हूँ, नॉट यू बट मी, कि मैं तुम नहीं हूँ पर मैं हूँ। मैं इसलिए खुशकिस्मत फील करती हूँ कि मैं कोई और नहीं हूँ, मैं जैसी भी हूँ वैसे बहुत अच्छी हूँ। वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी, आपको वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी, आप क्या सोचते हो कि आपको क्या बनना चाहिए। वॉट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। यू वॉन्ट टू बी, तुम्हें क्या बनना है। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, क्या तुम्हें मुझ जैसा बनना है। और जस्ट यू, या तुम जैसा ही रहना है। जस्ट यू, या तुम जैसा ही रहना है। वो जो बच्ची होती है वो फाइनली कहती है कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं खुशकिस्मत फील करती हूँ कि मैं जैसी भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, और मैं किसी और जैसी नहीं हूँ, मैं खुद जैसी हूँ। और